सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइव क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम स्केड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम स्केड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। सो आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। ओर इज कॉल्ड मैग्नेटाइट, यानी बहुत इजी क्वेश्चन, जो कि पैरामेडिकल्स में भी 2020 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था पैरामेडिकल में, अयस्क के ऊपर। किसका अयस्क के ऊपर? तो आयरन का अयस्क के ऊपर में वो क्वेश्चन क्या था कि अशुद्धि के रूप में सबसे ज्यादा आयरन में कौन सा पाया जाता है, कास्ट आयरन में, कच्चे लोहे में। तो ये भी आप मानिए कि उसी टाइप का सिमिलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कॉल्ड मैग्नेटाइट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क को हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। सो आपके गिवन ऑप्शंस हैं Fe2O3, Fe2O3.3H2O, सी ऑप्शन है आपका Fe3O4, और डी ऑप्शन है आपका FeCO3। सो आपको बताना है कि आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो। सो मैग्नेटाइट तो सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और प्रीवियस ईयर्स में मैंने केमिस्ट्री का पैरामेडिकल्स में बहुत बार करवा रखा है। सो मैग्नेटाइट को हम लोग किसका अयस्क बोलेंगे, क्या इसका सूत्र होगा? तो मैग्नेटाइट का होगा Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 को, ठीक है। अब Fe2O3 को हम लोग क्या बोलेंगे? आंसर तो आपका सी हो गया। अब बाकी सबको भी देख लेते हैं, Fe2O3 को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेमाटाइट। इसको सबको नोट कर लीजिएगा, हेमाटाइट, ठीक है। सो ये था आपका। अब यहाँ पे FeCO3 को क्या बोलेंगे, ये आपका होमवर्क है, कमेंट आपको करना है, ठीक है, कमेंट करना है, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। सो ये आपका होमवर्क हो गया, क्वेश्चन वन ओट्स के ऊपर। ओट्स के ऊपर क्वेश्चंस आता है, अच्छे से ओट्स सारा याद कर लीजिएगा, सिर्फ आयरन का नहीं, सब चीज़ का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, बॉक्साइड, ऐसे करके कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का, सबका ओट्स आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ओट्स बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, इसको वीवीआई कर लीजिए। ओट्स, ओट्स टॉपिक ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर आपका क्वेश्चन आप 6 क्लास 12th, यानी जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स से ही आया है आपका क्वेश्चन, कक्षा 12 चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, यानी आपको बताना है कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, कितने संरचना सम्यवाव संभव हैं, 2, 3, 4, 5, किस में? तो C2H3Cl3 में। तो आपको बताना है कितने पॉसिबल हैं, तो जल्दी कमेंट कीजिए कितने पॉसिबल हैं आपका, जल्दी बताइए। तो तीन पॉसिबल हैं, 3 आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स आपका पॉसिबल है। वो कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लीजिएगा तब आपको आराम से आइसोमर्स के बारे में पता होगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद इसका आइसोमर्स का स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपका 2CH है ना, तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला तो ये हो गया आपका, एक ही पे 3 कार्बन, सॉरी क्लोराइड, ठीक है। फिर एक और शी, ठीक, एक और शी, और इस शी के ऊपर आपका कितने एच है, 3H। ये तो पहला हो गया, ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ठीक है।
अब दूसरा देख लेते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, C2H3Cl3, ठीक है, वही चीज़ है। दूसरा देख लेते हैं, सी एच और एक सी एल, एक सी एल के साथ, ठीक है, और एक सी एक्स्ट्रा है, एक इधर सी एल और एक एच एच, ये आपका हो गया दूसरा आइसोमर, ठीक है। अब तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा आप आपका कैसे होगा कि एक सी एल इसको दे दीजिए और दो एच इधर दे दीजिए और दो सी एल, सी एल और एक एच, तो तीन आइसोमर्स हो गया। इसके अलावा कोई और भी आइसोमर्स ड्रॉ हो सकता है क्या, चेक कीजिए, तो नहीं नहीं ड्रॉ हो पाएगा। तो यही तीनों आपका सेम फॉर्मूला के साथ डिफरेंट पोजीशन, तो आइसोमर्स आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ। ये तो ये था आपका आइसोमर्स के ऊपर। आइसोमर्स के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में भी हम लोगों ने बहुत बार क्वेश्चंस कर रखा है, ठीक है। सो इसका करेक्ट उत्तर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन एन ब्यूटेन, यानी आपसे एन ब्यूटेन में सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, एन ब्यूटेन और सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ पे दो टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है, एन ब्यूटेन का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड्स क्या होता है वो पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग कैलकुलेट करके बता पाओगे कि इसमें कितना रहेगा। तो एन ब्यूटेन हम लोग किसको बोलते हैं, नॉर्मल नॉर्मल ब्यूटेन को हम लोग एन ब्यूटेन बोलते हैं, यानी किसको हम लोग बोलेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम लोग बोलेंगे एन ब्यूटेन। सो एन ब्यूटेन हम लोग बोलेंगे सिंपल स्ट्रक्चर को, ठीक है। सो अब इसमें आपको पूछ रहा है सिग्मा बॉन्ड्स, यानी सिग्मा बंधनों को आपको एन ब्यूटेन की संख्या में बताना। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं और एक और बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, ये दोनों क्या होते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड माय डियर स्टूडेंट्स और पाई बॉन्ड्स, ये आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th यानी केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन वाला जो चैप्टर है वहाँ का हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है, वहाँ से ये क्वेश्चंस पूछा है आपको। सो वहाँ पे आपको मैंने करा रखा है, प्रीवियस ईयर्स में भी जाओगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन सिग्मा और पाई बॉन्ड्स निकालने आ रखा है एंगल्स के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण है पैरामेडिकल के लिए, ठीक है, बिहार पैरामेडिकल के लिए। सो वहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, मैंने अच्छे से बता रखा है, यहाँ भी बता देता हूँ। सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड, डबल डबल कार्बन बॉन्ड, ट्रिपल ट्रिपल कार्बन बॉन्ड। सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड के बीच में आपका बस एक सिग्मा रहता है, जीरो पाई, ठीक है, जीरो पाई। डबल डबल कार्बन बॉन्ड के ऊपर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड रहता है, और ट्रिपल कार्बन बॉन्ड के बीच में दो पाई और एक सिग्मा रहता है। तो ये आप याद रख लो, इसको चार्ट बना लो, ये प्रीवियस ईयर्स में भी प्लेलिस्ट में जाओगे बिहार पैरामेडिकल का केमिस्ट्री में। सो आपका ये आ रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, और हर साल 2017, 18, 19, 20 एक एक प्रश्न पैरामेडिकल में आ चुका है इस टॉपिक से, चैप्टर नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, तीनों का डेटा बता दिया। अब इसका अच्छा से इसको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं, C C C C, अच्छा से अब इसमें काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। H सब जगह दे दीजिए, H H H H H H H एच एच, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट कीजिए, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो मतलब सिंगल वो कहलाएगा, सिंगल यानी वन पाई सिर्फ कहलाएगा। तो एक पाई, दो पाई, तीन पाई, चार पाई, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, बारह, तेरह, एक छूट रहा है ये 13, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13, तो 13 आपका टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे जीरो पाई बॉन्ड्स हैं, 13 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस जीरो पाई बॉन्ड्स। कहीं भी डबल बॉन्ड रहता, ट्रिपल बॉन्ड रहता, तब इस चार्ट की मदद से उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आप लोग 2021 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको VVI कर लीजिए टॉपिक को, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, ठीक है, इसको VVI कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका ऑर्गेनिक पे प्रश्न है। द फॉर्मूला ऑफ 3-मिथाइल-पेंट-2-ईन, ठीक है, तो इसको आपको स्ट्रक्चर्स बनाना है। आपको नेम दे रखा है, केमिकल नेम उसका दे रखा है, यानी आईपीएससी नेम दे रखा है आपको, आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म आपको कमेंट में करना है, क्या होता है आईयूपीएससी का, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को आता है। क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में करना है, लाइव में तो करना ही है, कमेंट सेक्शन में भी कर दीजिएगा। जिसका सही उत्तर होगा उसका मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है 3-मिथाइल-पेंट-2-ईन, 3-मिथाइल-पेंट-2-ईन, जल्दी बताइए। 3-मिथाइल-पेंट-2-ईन का स्ट्रक्चर इसमें से चारों में से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आप मैच कर लेना। CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH3। चलिए अब बताइए करेक्ट क्या, मैं यही उत्तर है आपका, अब मैच कर लीजिए करेक्ट क्या है इसमें से, जल्दी बताइए करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स मिला लीजिए, डबल बॉन्ड है ना, CH3 ग्रुप, फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड, फिर CH3 लगा हुआ है, फिर आपका आराम से CH2, फिर आपका CH3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, 3-मिथाइल-पेंट-2-ईन। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए कम ही आता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, आइसोमर्स के ऊपर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसके ऊपर ज़रूर प्रश्न रहता है आपका पैरामेडिकल में, ठीक है। तो ये आप ज़रूर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। 5th में आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5th में कि आपका इन विच फ्रैक्शन ऑफ ब्यूटीमिन इज फिनॉल ऑब्टेंड ड्यूरिंग प्राइमरी डिस्टिलेशन। सो कोल तार के किस प्रभाज में प्रभाजी आसवन के दौरान फिनाइल प्राप्त होता है, लाइट तेल, मीडियम तेल, हैवी तेल या एंथ्रेसिन तेल। तो इसका आपका ब्यूटीमिन के ऊपर सवाल है, करेक्ट उत्तर तो आपका बी होगा, मिडिल तेल के ऊपर, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही फिनॉल का प्राइमरी डिस्टिलेशन का पार्ट है, वहाँ पे है आपका क्रिस्टलाइजेशन, ये सब जितना भी आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस है वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो मिडिल तेल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी इसको बस याद कर लीजिएगा, वन लाइनर क्वेश्चंस के जैसा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे पूछ रहा है AL4C3 रिएक्ट्स विथ H2O, यानी AL4CL3 की H2O से अभिक्रिया देती है, क्या देगी आपको, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए कमेंट्स में क्या देगा आपको, जब आपका C3H2O क्या देगा आपको, जल्दी बताइए। तो आइए रिएक्शंस देख लेते हैं, Al4C3+H2O गिव्स आपको AlOH3+CH4, ये देता है आपको। तो यहाँ पे CH4 है तो CH4 टिक कर दीजिएगा, प्रॉपर रिएक्शन आपका ये है तो रिएक्शंस लिख लीजिएगा, ठीक है, ये रिएक्शंस लिख लीजिएगा, ठीक है। और Al4C3 का हम केमिकल नेम क्या बोलेंगे इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसको केमिकल नेम कमेंट कीजिएगा आप लोग क्लास के बाद, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 इतना बार पूछा जा चुका है नायलॉन 66 कि मैं क्या बोलूं, बहुत बार, जो पैरामेडिकल का पूरा अभी तक करते आए हैं, पूरा क्लास 2020 से 10 तक कर लिए हैं और अभी तक 2020 से 12 तक का कर रखे हैं, 6 से 7 बार आपका नायलॉन 66 और नायलॉन 6 के ऊपर सवाल आ चुका है, ठीक है। तो नायलॉन 66 आपका किसका एग्जाम्पल है, नायलॉन 66 आपका किसका एग्जाम्पल है, पॉलीस्टाइरीन का है, पॉलीप्रोपेलीन का है, पॉलीअमाइड का है या पॉली आइसोप्रीन का है। तो नायलॉन 66
किस चीज़ का एग्जांपल है, और ये आपका चैप्टर कहाँ से है, पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स से मैंने बोल रखा है कि एक क्वेश्चन 100% है कि आपका पैरामेडिकल में आएगा ही आएगा इस साल 2021 में, पॉलीमर्स। ठीक है, तो जल्दी कमेंट्स कीजिए। नायलॉन 66 क्या है आपका, नायलॉन 66 आपका किस चीज़ का एग्जांपल है। सो ये पॉलीएमाइड है, क्या है आपका, पॉलीएमाइड। किस चीज़ से बना हुआ है नायलॉन 66, तो ये आपका दो चीज़ें से, दो मोनोमर से बना हुआ है, दो मोनोमर से बना हुआ है। पहला है आपका हेक्सा, हेक्सा मिथाइल, मिथाइलिन डाई अमाइन एंड एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ये दोनों से बना है आपका। ठीक है, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन प्लस एडिपिक एसिड जो सिंथेटिक पॉलीमर बनाता है पॉलीएमाइड, जिसको हम लोग नाइलॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा। ठीक है, अब देखिए पॉलीस्टेरीन है, पॉली, सो जितना भी पॉलीस्टेरीन, पॉलीप्रोपेलीन, पॉलीऑस्टियोप्रीन, या जाके आप चैप्टर एक बार विजिट कीजिएगा क्लास 12th का, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि बस इस चैप्टर से आपको सारा मोनोमर्स याद रखना है, सारा जितना भी आपको एक एक पॉलीमर का आपको मोनोमर याद रखना है, सबसे मस्ट है। अगर एग्ज़ाम में 5 मार्क्स लाना चाहते हो तो इस चैप्टर का सारा पॉलीमर रट जाओ, एक एक का चार्ट बना लो, जितने भी पॉलीमर्स दे रखे हैं, नायलॉन 66, टेफ्लॉन, आपका जितने भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, सबको याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत VVI है, ठीक है, इसको VVI कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी आपका पॉलीमर्स के ऊपर ही सवाल है, मैंने कहा ना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2020 का जाओ देख लो केमिस्ट्री का आप लोग, तो वहाँ पर भी पॉलीमर्स एक सवाल आपको है, पैरामेडिकल का बोल रहा हूँ, मैट्रिक का नहीं, PMM का नहीं बोल रहा हूँ, PM का बोल रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि पैरामेडिकल मैट्रिक यानी PMD भी कर लो अच्छे से, यहाँ का क्वेश्चन वहाँ रिपीट होता है। ठीक है, अच्छे से कर लेना आप लोग। सो नॉन स्टिकी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ पॉलीमर लेयर मेड ऑफ, गैर चिपचिपा तत्व जो एक बहुलक की परत होती है जो इससे बनती है, तो आपके ऑप्शन है टेट्रा फ्लोरोइथीन इथाइलिन, फिर विनाइल क्लोराइड, स्टाइरीन, एक्रेलोनाइट्राइल। इतना इजी प्रश्न है, अभी मैंने जो बोला था टेफ्लॉन, टेफ्लॉन वो स्टिक पैंस देते हो ना जिसपे आप लोग खाना बनाते हो, पैंस, तो पैंस में आपका चिपकता नहीं है, मॉडर्न पैंस जितने भी आते हैं ब्लैक रंग का रहता है पूरा, तो चिपकता नहीं है उस पर कोई भी खाना, आराम से बना सकते हो, तो किस कारण टेफ्लॉन का उस पर लेयरिंग रहता है, टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन यानी टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा सबको याद कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज भी, तो टेफ्लॉन उसमें स्पेशल था क्योंकि नॉन स्टिकी एलिमेंट्स यानी उसमें चिपकता नहीं है, इस वजह से ये स्पेशल है आपका पॉलीमर। और भी बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिंग, थर्मोसेटिंग जो हमारे स्विचेस में यूज़ होते हैं, थर्मोसेटिंग्स हमारे स्विचेस में यूज़ होते हैं, घर के जो स्विच होते हैं ना ऑन ऑफ करने वाले बटन्स, उसमें यूज़ होते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो आराम से पिघल जाए इसलिए, तो ये सब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अब चलते हैं, और एक और क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, और जो पहली बार बच्चे देख रहे हैं क्लास को, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो PPI ट्यूटोरियल भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे संडे से आपका टेस्ट है केमिस्ट्री का, तो प्रिपेयर रहिए, संडे को टाइमिंग्स में डाल दूंगा सैटरडे को कि कब होगा। सो टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है आपका, मॉक टेस्ट फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक, तो बी रेडी, टेलीग्राम पे ही होगा, PPI ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पे, तो रेडी रहिए और चैनल को सपोर्ट इसी तरह करते रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इस वीडियो को और क्लासेस को। चलिए इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर डिटर्जेंट, कौन सा जनरल फार्मूला आपको डिटर्जेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, RONA, RCOONA, RCOOR और RC6H4SO3NA, डिटर्जेंट का आपको जनरल फार्मूला क्या होगा, जल्दी बताइए। सोप का तो इसके बाद मैं पूछूंगा, पहले आप बता दीजिए डिटर्जेंट का जनरल फार्मूला। ठीक है,
इसका करेक्ट होगा आपका डी, ठीक है, डी आर सी सिक्स एच फोर एस ओ थ्री एन ए, ठीक है, ये डिटर्जेंट का हुआ। अब सोप का बता दीजिए, सोप का क्या होगा, सोप का जल्दी बताइए, साबुन का, सोप का आपका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताइए, आर सी ओ ओ एन ए, यानी ये वाला बी, ठीक है, सोप का होगा, ये डिटर्जेंट का है, इसको याद रखिएगा, इस पे भी प्रश्न आपका आता है, ठीक है। और इससे ऊपर हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, मृदु जल और कठोर जल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से कर लीजिएगा, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न आज का चलते हैं। आखिरी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, द फंक्शनल ग्रुप इन ऑयल इज, ऑयल में आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहता है, तो ईस्टर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड या ईथर, आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप इन ऑयल इज क्या होगा, आपको तेलों में कौन सा आपका समूह रहता है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, आखिरी सवाल है आज का। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ईस्टर, ठीक है, ईस्टर होता है। अब ईस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ईस्टर किस टाइप का रहता है, ईस्टर का स्ट्रक्चर बताइए, ईस्टर का स्ट्रक्चर बताइए, ईस्टर का स्ट्रक्चर बताइए, तो ईस्टर कैसा होता है आपका, देख लीजिए, डबल बॉन्ड ओ आर, ये है आपका ईस्टर, ठीक है। अल्कोहल का OH, कार्बोक्सिलिक का COH और ईथर का ROR, ठीक है। तो ये सब आपको फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसी तरह के क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए बिहार झारखंड यूपी पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और ITI के लिए PPI ट्यूटोरियल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, बाय बाय।